वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स बाय संजय सर। ये हमने जीके की 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज चालू की थी जिसमें पार्ट नंबर 2 है। तो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। कौन सी धातु विद्युत के लिए सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मेथेन गैस। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे अथवा दुग्ध मेलखा मेखला। मिल्की वे अथवा दुग्ध मेखला। तुलसीदास रामचरित तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस यूनान से 1986 ईस्वी में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? टोक्यो जापान। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे, जिसे हम किडनी भी कहते हैं इंग्लिश में। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत, लीवर को ये इफेक्ट करता है। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमृत सेन को। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सा घटक पाया जाता है? ब्यूटेन। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 ईस्वी में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। सूर्य से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ ग्रुप। प्रकाश वर्ष का संबंध किस से है? खगोलीय दूरी से। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 के बाद 8 जीरो हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अपने नए पार्ट 3 में।
यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपके लिए फ्री वीडियोज बनाता रहूं, तो सबसे पहले मेरे चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। और लाइक तथा शेयर भी कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियोज बनाते रहें।